रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर मामले की जांच पूरी कर ली है। बता दें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑटो सिग्नल क्षेत्रों में ट्रेन परिचालन प्रबंधन में कई लेवल पर खामियों, लोको पायलट और स्टेशन मास्टर को उचित परामर्श न दिए जाने से कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा होना तय ही था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दिन वहां से गुजरने वाले अधिकतर लोको पायलट को इसकी जानकारी ही नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलानी है। वहीं दार्जिलिंग में 17 जून को हुए इस हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट समेत 10 लोगों की मौत हुई थी।